नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे रूबरू होने आ गया है इस APS के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि साख के जो स्रोत थे दोस्तों, उन्हें दो स्रोतों में विभाजित किया गया, एक साख का संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत स्रोत। साथियों, संस्थागत स्रोत में हम पढ़ रहे थे जो वाणिज्यिक बैंकें हैं उनके संदर्भ में, उसी का एक छोटा सा पॉइंट और बाकी है, और वो कौन सा है साथियों? वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। तो आइए मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे किस पर? वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों पर। तो मित्रों, ध्यान रहे आपको वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जमा स्वीकार करना, साथ ही वो वाणिज्यिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो होता है जमाएं स्वीकार करना। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं साथियों, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, ऐसा समाज जो अपने आय का एक छोटा सा हिस्सा जो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसे हम साथियों बचत कहते हैं। या साथियों मैं ऐसे कहूँ कि जब व्यक्ति की आय अधिक हो और उसके खर्च कम हो तो साथियों वह व्यक्ति की क्या होगी? बचत होगी। और ऐसी बचत को व्यक्ति ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहते हैं जहाँ उसको किसी भी प्रकार की कोई जोखिम ना हो, साथ में वो चाहता है कि उस पर उसका थोड़ा बहुत ब्याज भी मिले, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, वो चाहता है कि जब उसे ज़रूरत पड़े तो उसका पैसा उसे तुरंत मिल सके। तो साथियों, वाणिज्यिक बैंकों का पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है जमाएं स्वीकार करना होते हैं। जमाएं जो स्वीकार की जाती हैं मेरे दोस्तों, वो जमाएं स्वीकार करते समय जो बैंक होती है वो जमाकर्ता को क्या देती है साथियों? ब्याज देती है। लेकिन ध्यान रहे मेरे भाइयों, यहाँ ब्याज की जो दरें होती हैं वो कैसी होती हैं? कम। जैसा कि मैंने कहा कि बैंक की आय से क्या तात्पर्य है, तो मैंने कहा मेरे दोस्तों कि बैंक जमाएं स्वीकार करती हैं और साथ में वे जो बैंक कार्य करती हैं वो ऋण देने का कार्य करती हैं। यहाँ जो बैंक जमाकर्ताओं को जो ब्याज देती हैं उस ब्याज की दरें कैसी होती हैं? कम होती हैं दोस्तों। लेकिन जब बैंक से हम ऋण लेते हैं तो हमें इस राशि पर जो ब्याज देना पड़ते हैं वो कैसा देना पड़ता है? ज़्यादा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? बैंक की आय। वाणिज्यिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जमाएं स्वीकार करना,
और जमाएं जो स्वीकार की जाती हैं उन जमाओं पर मेरे भाइयों हमारी बैंक हमें क्या देती है, ब्याज देती है। आगे साथियों मैं बात करूं कि बैंक हमें कितने प्रकार के खाते खुलवाने की सुविधा देती है, या हम कह सकते हैं बैंक में कितने प्रकार के खाते पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों चालू खाता, दूसरा होता है दोस्तों बचत खाता, और तीसरा होता है भाइयों स्थायी जमाएं। क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ ऐसे भी रख सकता है दोस्तों कि वाणिज्यिक बैंकें जमाकर्ताओं को कितने प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो साथी उत्तर होगा हमारा 3, या मैं ऐसे कहूं कि बैंक में हम कितने प्रकार से खाते खुलवा सकते हैं, तो भी साथियों हमारा उत्तर क्या होगा, 3 होगा। तो साथियों चालू खाता होता क्या है, इस चालू खाते में जो जमाएं कराई जाती हैं इन जमाओं पर जो ब्याज दिया जाते हैं वो ब्याज कैसा दिया जाता है, कम। कैसा दिया जाता है दोस्तों, कम दिया जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पैसा निकालने और जमा करने की कोई वैधता नहीं होती। हम एक दिन में कई बार पैसा जमा कर सकते हैं और कई बार निकाल भी सकते हैं। कौन से खाते में से, चालू खाते में से। जैसे मेरे साथियों करंट अकाउंट कहा जाते हैं, यहाँ चालू जो खाता होते हैं ये मुख्यतः जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है साथियों, क्योंकि उन्हें एक दिन में कई बार तो पैसा जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है और कई बार निकालने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैं ऐसे भी कह सकता हूँ साथियों जो ब्याज जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, वो बैंक के द्वारा जो ब्याज दिए जाते हैं वो शून्य दिए जाते हैं। मैं कह सकता हूं ना के बराबर क्या दिए जाते हैं ब्याज। ओके साथियों साथियों जो बचत खाता होते हैं इस बचत खाते को सेविंग अकाउंट कहते हैं। बचत खाते में जो राशि जमा कराई जाती है साथियों उस राशि के निकलवाने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं दोस्तों, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसमें जो लेन देन होती है इस लेन देन में कुछ क्या होते हैं, प्रतिबंध। जैसा कि हम चालू खाते से जो पैसा कभी निकाल सकते थे कभी जमा कर सकते थे, दिन में कितनी बार निकालो कितनी बार जमा करो, ऐसा बचत खाते में नहीं होता दोस्तों। बचत खाते में जो जमाएं स्वीकार की जाती हैं या जो राशि जमा कराई जाती है साथियों वो एक लंबे समय के लिए कराई जाती है, या मैं कह सकता हूँ कि उस पे
उसमें जो जमा कराई गई जो राशि है उस राशि पर क्या लगे होते हैं, कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं। यहाँ दोस्तों जो ब्याज दिया जाते हैं इस करंट अकाउंट की अपेक्षा कैसा दिया जाता है आदि, लेकिन सर्वाधिक साथियों जो ब्याज की दरें दी जाती हैं या सबसे ज़्यादा जो ब्याज बैंक देती है वो कहाँ देती है, स्थायी जमाओं पर। यहाँ जो पैसा जमा कराया जाता है दोस्तों वो एक लंबे समय के लिए कराए जाते हैं, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो एफडी वगैरह कराई जाती है 5 साल 8 साल 10 साल के लिए, तो ऐसी जो जमाएँ होती हैं इन जमाओं को कहा जाता है स्थायी जमाएँ। ऐसा नहीं है साथियों कि हम इन पैसों को बीच में नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हैं लेकिन जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा साथियों, मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट हमें हमारी बैंक नहीं देती। क्या समझे साथी आप, वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। पहला कार्य हमने लिया था जमाएं स्वीकार करना, और बैंक जो जमाएं स्वीकार करती हैं दोस्तों कितने प्रकार से करती हैं, 3 प्रकार से, चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा स्थायी जमा खाते। आगे दोस्तों हम बात करेंगे बैंक का जो महत्वपूर्ण दूसरा कार्य होता है दोस्तों, वो दूसरा कार्य होता है ऋण प्रदान करना। भाई लोगों जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वाणिज्यिक बैंक उद्योगों के लिए, कृषि के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों वाणिज्यिक बैंकें, हमें हमारी ज़रूरतों के लिए क्या देती हैं, ऋण प्रदान करती हैं। और जो ऋण दिया जाता है साथियों हम कह सकते हैं 2 प्रकार से दिया जाते हैं, साख ऋण सुविधा, और दूसरी जो सुविधा होती है दोस्तों वो होती है अधिविकर्षण की सुविधा। कितने प्रकार की सुविधाएं दोस्तों, 2 प्रकार की सुविधाएं। कितने प्रकार की सुविधाएं साथियों, 2 प्रकार की, एक साख ऋण प्रदान करने की सुविधा और दूसरा अधिविकर्षण ने दोस्तों विकर्ष की सुविधा प्रदान करती है। तो साख के आधार पे जो ऋण दिया जाता है साथियों, जैसा कि हम साख के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, बात करेंगे हम अधिविकर्ष की दोस्तों। अधिविकर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों खाता जो धारक होते हैं, खाता धारक के जमा राशि से अधिक धन निकालने की सुविधा
अधिविकर्ष कहलाती है। माना कि साथियों हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये जमा है और साथियों हमें किसी कार्य को संपन्न करने के लिए 55,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मेरे भाइयों अधिविकर्ष की सुविधा के तहत चाहे हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, हमारे अकाउंट में हमारे जमा कितना है 50,000 रुपये, लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है 55 की, तो मेरे साथियों हम 50 के स्थान पे कितने भी निकाल सकते हैं 55 निकाल सकते हैं, और ऐसी सुविधा को कहा जाता है अधिविकर्ष की सुविधा। अपनी जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा को क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिविकर्ष की सुविधा। आगे तीसरा जो इसका कार्य होता है दोस्तों, तीसरे जो वाणिज्यिक बैंकों के कार्य होते हैं उस तीसरे कार्य में दे रखा है दोस्तों अन्य कार्य, और अन्य कार्यों में हम ले सकते हैं दोस्तों पहला बैंक बिल और चेक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी हम कह सकते हैं मेरे भाइयों बैंक नियमित रूप से किसी पॉलिसी का भी क्या करते हैं भुगतान करते हैं। तीसरा मैं बात करूं दोस्तों बैंक जो होते हैं ये बैंक हमें अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करते हैं। आगे मैं और कहूँ दोस्तों बैंक हमें लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं। बैंकों में हम अपनी बहुमूल्य जो वस्तु होती हैं दोस्तों उनको भी क्या रख सकते हैं जमा करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं दोस्तों जो बैंकें करती हैं। बैंक आंकड़ों का भी क्या करती हैं दोस्तों, वित्तीय संबंधी आंकड़ों का भी संग्रहण करती है। तो ऐसे बहुत से कार्य होंगे दोस्तों जिनको बैंकों के द्वारा क्या किया जाएगा संपन्न किया जाएगा। आगे मित्रों हम बात करेंगे गैर संस्थागत स्रोतों के, जो माध्यम हैं वो माध्यम कौन कौन से थे। गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि गैर संस्थागत स्रोत होते क्या हैं, लेकिन इसके प्रकार कौन कौन से थे। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है भारत में गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत,
जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नंबर पर वो होगा देसी बैंकर। क्या होगा दोस्तों? देसी बैंकर होते क्या हैं दोस्तों? तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में बैंकों के विकास से पहले जो बैंकिंग का कार्य किया जाता था दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता था मेरे भाइयों? देसी बैंकरों के द्वारा। किसके द्वारा? देसी बैंकरों के द्वारा। क्या समझे आप दोस्तों? गैर संस्थागत साख के प्रमुख स्रोतों में हमने पहला स्रोत लिया देसी बैंकर, और देसी बैंकर जो हुआ करते थे, क्या कार्य करते थे दोस्तों? जब हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था लागू नहीं हुई थी या बैंकों का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो हमारे देश में बैंकों का कार्य करते थे दोस्तों, वो बैंकों का कार्य कौन करते थे? देसी बैंकर। ये देसी बैंकर एक निजी व्यक्ति या मेरे भाइयों एक क्या होती है? फर्म होती है, जिनके द्वारा ये कार्य क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। आज की जो बैंक जो कार्य करती है, वो लगभग सभी कार्य बैंकों के विकास से पहले किसके द्वारा किए जाते थे? देसी बैंकरों के द्वारा। अब मैं बात करूं दोस्तों कि इसके जो प्रमुख कार्य थे, इनके प्रमुख कार्यों में हम पहले कार्य की बात करें तो पहला कार्य होगा जमाएं स्वीकार करना। ये जनता की जमाओं को भी क्या करते थे? स्वीकार करते थे। दूसरा जो इनका कार्य होता था दोस्तों, ऋण प्रदान करना। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, ऋण जो दिया जाता था वो दो कंडीशनों पर दिया जाता था, एक ऋणाधार के और दूसरा दोस्तों साख के आधार पर। ऋणाधार का मतलब होता है दोस्तों ऋण का आधार, जिस आधार को लेकर हमें किसी के द्वारा क्या दिया जाता है दोस्तों? ऋण दिया जाते हैं, उसे कहते हैं ऋणाधार। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को हम जब गिरवी रखते हैं तो गिरवी रखी हुई वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? ऋणाधार कहलाती है, जिसके आधार पर हमें क्या दिया जाते हैं? कर्ज दिया जाते हैं। और दूसरा है साख के आधार पर। अगर हमारी साख अच्छी है दोस्तों, तो हम बिना ऋणाधार के भी हमें क्या मिलता था? ऋण मिल जाता था। बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे हुए भी हम क्या कर सकते थे दोस्तों? हम ऋण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन किसके आधार पर? साख के आधार पर। तीसरे कार्य की मैं बात करूं दोस्तों, वित्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करना।
उसके बाद दोस्तों मैं चौथे कार्य की बात करूं, वो होगा दोस्तों बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी करना। आगे दोस्तों मैं बात करूं पांचवें कारण की, तो पांचवा कारण होगा छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करना। आगे दोस्तों मैं छठे कारण की बात करूं, ऋणी व्यक्ति को ऋण से संबंधी जानकारी प्रदान करना। उसके बाद दोस्तों अगले कारण की मैं बात करूं, जो ये बैंकें थे दोस्तों ग्राहकों को मित्र एवं सलाहकार का कार्य भी करते थे। तो उस समय दोस्तों जब हमारी बैंकें नहीं थी प्रसरण में, तो उस समय जो कार्य किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? देशी बैंकरों के द्वारा। और देशी बैंकर उस समय कौन कौन से कार्य करते थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए? आगे दोस्तों मैं अगले पॉइंट की बात करूं, तो अगला पॉइंट होगा दोस्तों साहूकार या साथियों मिले मार्जन कह सकते हैं, या साथियों में से जागीरदार भी कह सकते हैं। इनके द्वारा भी क्या दिया जाता था दोस्तों? ऋण दिया जाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ ऋण दिया जाता था, ना कि बचत को जमा किया जाता था। ये सिर्फ ऋण प्रदान करती थी, ये अपने पैसों को जो छोटे छोटे ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे उनकी ज़रूरतों के लिए क्या किया जाता था दोस्तों? ऋण दिया जाता था, लेकिन इस ऋण की जो ब्याज की दरें थी वो ब्याज की दरें कैसी थी दोस्तों? अधिक होती थी। आज भी मैं बात करूं दोस्तों, आज भी हमारे देश के अधिकांश जनता या जनसंख्या किससे? साहूकारों से ऋण प्राप्त करती है, क्योंकि जो बैंकों से ऋण प्राप्त किया जाते हैं उसकी प्रक्रिया जटिल होने के कारण वहाँ तक जनता पहुँच नहीं पाती, जबकि साहूकारों से जो ऋण लेने की प्रक्रिया है वो एक कैसी होती है दोस्तों? सरल होती है, अपेक्षा किसके? बैंकों के। जो साहूकार दोस्तों ऋण देते हैं हमें, दोनों प्रकार से देते हैं, एक ऋण आधार पर भी देते हैं और दूसरे साख के आधार पर भी देते हैं। ये छोटे बड़े सभी के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऋण दे सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों से भली भांति क्या होते हैं? परिचित। साहूकारों से लिया गया ऋण जरूरी नहीं होता साथियों एक बार चुकता करने के बाद दोबारा मिले, एक बार लेने के बाद हम दोबारा भी ले सकते हैं। लेकिन साहूकार जो होते हैं दोस्तों उनकी ब्याज की दरें कैसी होती हैं? अधिक होती हैं, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाता और वो कर्ज के तले दबता हुआ चला जाता है।
आगे हम बात करेंगे दोस्तों, वो पॉइंट होगा हमारा स्वयं सहायता समूह। तीसरा है दोस्तों स्वयं सहायता समूह। मित्रों गौर फरमाइएगा, इस सहायता समूह में 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं और इन सदस्यों के द्वारा अपनी बचत में से 25 रुपये से लेकर 100 रुपये के मध्य, या फिर मैं कहूँ इससे भी अधिक, बचत की जाती है दोस्तों, या बचत को क्या किया जाता है, जमा कराया जाता है। ये होता है दोस्तों बचतकर्ता की क्षमता के आधार पर। इन व्यक्तियों के द्वारा 25 से लेकर 100 रुपये के मध्य अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो बचत की जाती है, उस 10-15 व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो राशि धीरे धीरे इंक्लूड होती है दोस्तों, जुड़ती है, तो इस राशि को छोटे छोटे जो कर्जदार होते हैं दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस समूह में जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के लिए कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए क्या दे दिया चाहते हैं, कर्ज दे दिया चाहते हैं। लेकिन साथियों उनसे क्या लिया चाहते हैं, ब्याज। ध्यान रखने, साहूकारों से लिया गया जो ब्याज होता है, उस ब्याज की दर से, ये ब्याज की दर कैसी होती है, कम। क्या समझे साथियों आप इसमें, स्वयं सहायता समूह, इसमें 10 से 15 व्यक्तियों का एक समूह होते हैं जो अपनी बचत का 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक बचत करके वो राशि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इस राशि को दोस्तों छोटे छोटे कर्जदारों को क्या कर दिया जाते हैं, दे दिया जाते हैं, जिनसे क्या वसूला जाते हैं दोस्तों, ब्याज। अगर मेरे साथियों यह समूह एक या दो वर्ष लगातार कार्य करते हैं तो साथियों बैंक भी इनको क्या दे सकती है, ऋण देगी। जो ऋण देगी दोस्तों वो एक व्यक्ति के लिए ना देके बैंक किसको देगी दोस्तों, समूह को देगी। बैंक जो दोस्तों ऋण देगी, उसका उद्देश्य होगा मेरे भाइयों, उद्देश्य होगा लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। समझ में आया दोस्तों स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में 10 से 15 सदस्य होते हैं और 10 से 15 सदस्य अपनी बचत का अपनी क्षमता अनुसार 25 से 100 या इससे अधिक रुपए क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो जो राशि जमा होती है दोस्तों, इस राशि को क्या कर दिया जाते हैं, छोटे काश्तकारों को, या हम कह सकते हैं छोटे कर्जदारों को क्या कर दिया जाते हैं, बाँट दिया जाते हैं, जिस पर क्या ली जाती है, ब्याज लिया जाता है। लेकिन ब्याज की दर ध्यान रखने, साहूकारों से ली गई ब्याज की दर से कैसी होती है, कम। अगर ये समूह नियमित रूप से कार्य करते हैं तो दोस्तों आगे बैंक भी इन्हें कर्ज देने लगती है। जो बैंक इस जो कर्ज देती है दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को ना देकर किसको देती है दोस्तों, समूह को देती है। समूह को क्यों दिया जाते हैं, ताकि दोस्तों इसका उद्देश्य होता है लोगों को स्वरोजगार हेतु क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। अगला मेरे भाइयों जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा चिटफंड कंपनी। क्या होगा,
देखिए साथी, वो चिटफंड होता क्या है। जब हम चिटफंड की बात करें तो साथियों ध्यान रखना है आपको, इसमें भी 10, 12, 15 सदस्य हो सकते हैं। और इन सदस्यों की संख्या कितने तक हो सकती है दोस्तों? 20 तक। माना कि कितने लोगों का समूह है दोस्तों? 20 लोगों का समूह है। और ये पर मंथ के हिसाब से दोस्तों 2000 रुपये क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो साथियों 20 सदस्यों का 2000 से कितना रुपये हो जाएगा एक महीने का? 40,000। कितना रुपया हुआ दोस्तों? 40,000। तो महीने के अंत में दोस्तों लॉटरी निकाली जाती है दोस्तों। इन 20 सदस्यों में से जो व्यक्ति सबसे अधिक बट्टे पर इस राशि को प्राप्त करना चाहेगा वो इस लॉटरी का क्या होगा? विजेता। बट्टा जानते हैं साथी आप, बट्टा कहते हैं दोस्तों हानि को। इस 40,000 रुपये की राशि को छुड़ाने के लिए ये जो 20 सदस्य हैं, या मैं साथियों ऐसे भी कह सकता हूँ कि इन सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य जो विश्वास के योग्य हो दोस्तों, ऐसा सदस्य भी इस राशि को क्या कर सकते हैं? इस लॉटरी का भागीदार हो सकते हैं। तो इन 20 सदस्यों, माना कि साथियों महीने के अंत में जो 40,000 रुपये हुए, इस 40,000 रुपये को जो व्यक्ति सबसे अधिक बट्टे पर, ज़्यादा से ज़्यादा बट्टे पर लेगा वो व्यक्ति उस लॉटरी का क्या होगा दोस्तों? विजेता होगा। माना कि साथियों इस लॉटरी में जो बट्टा लिया गया साथियों वो कितने हजार? 10,000 रुपये घाटे से इस लॉटरी को छुड़ाया गया। तो साथियों 40,000 की जो रकम थी, इस 40 में से कितना दिया जाएगा इसको दोस्तों? 30,000 रुपये। कितने रुपए दिए जाएंगे मेरे भाइयों? 30,000 रुपये, क्योंकि इसने 10,000 घाटे से इसको छुड़ाया है। तो जो 10,000 जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों इस कमेटी को, इस समूह को, तो इस 10,000 को इस समूह में क्या कर दिया जाता है? इस लाभांश को इस समूह में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जो 2 महीने 2,000 रुपये पर मंथ की जो किस्त रखी गई थी दोस्तों, इस किस्त में क्या कर दिया जाएगा? इसे घटा दिया जाएगा। या साथियों इस लाभांश को इस 20 सदस्यों में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। माना कि साथियों 10,000 में 20 का जब हम भाग देते हैं तो कितना आते हैं? 500 रुपये आते हैं। तो अगले महीने जो उन्हें किस्त अदा करनी पड़ेगी दोस्तों, वो 2,000 रुपये ना करके कितनी करेंगे? मात्र 1,500 रुपये। जैसे हम कमेटी कहते हैं दोस्तों, सुना होगा आपने कमेटी, कि गांव के सदस्य मिलकर कमेटी डालते हैं, वही किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? हम चिटफंड के नाम से उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। माना कि साथियों कंडीशन ऐसी हो जाए कि कोई भी व्यक्ति लॉटरी का विजेता नहीं बनना चाहता, तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या होगा? पर्ची डाली जाती है और उस पर्ची में जिस व्यक्ति का सबसे पहले नाम खुलता है दोस्तों, उस व्यक्ति को क्या कर दी जाती है? उस राशि को दे दिया जाता है। क्या समझे दोस्तों आप? चिट फंड के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों कि माना कि 20 सदस्यों का एक समूह है जिसने 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपनी लॉटरी की, अपने एक कमेटी की शुरुआत की दोस्तों। तो 20 सदस्यों का 2,000 से कितना हो जाते हैं? टोटल 40,000 रुपये हो जाते हैं दोस्तों। अब इस 20 सदस्यों में से कोई भी सदस्य जितने अधिक बट्टे से, ज़्यादा बट्टा
जो लेगा बट्टा कहते हैं दोस्तों हानि को, इस 20 सदस्यों में से जो सबसे अधिक बट्टे पर इस राशि को लेना चाहते हैं उस व्यक्ति को लॉटरी का क्या घोषित कर दिया जाता है विजेता। जैसे कि मैंने कहा कि 40,000 रुपये की राशि के लिए दोस्तों इन 20 सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा है जिसने इस राशि को 10,000 बट्टे पर लेना स्वीकार किया, तो साथियों उस व्यक्ति को कितने 40 में से कितने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, 30,000 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि इसने इस 40,000 की राशि को कितने बट्टे से लिया है, 10,000 रुपये के बट्टे से लिया है। तो जो 10,000 रुपये उनका क्या होगा दोस्तों, जो बचे हैं उस राशि को, उस लाभांश को समूह में क्या कर दिया जाते हैं, बांट दिया जाते हैं, या फिर दोस्तों मैं कहूँ कि जो किस्त आगे आने वाली है उस किस्त में से उस पैसे को क्या कर दिया जाता है कब। जैसे कि 10,000 का जो बट्टा था तो 10,000 को अगर 20 भागों में बांटते हैं तो 500 रुपये आते हैं दोस्तों। तो आगे जो उन्होंने किस्त निर्धारित की थी दोस्तों 2,000 की, इस 2,000 की किस्त में से मात्र उसे कितना देना पड़ेगा, 1,500 रुपये। आप सोच रहे होंगे कि साहब ऐसा भी तो हो सकते हैं कि इसमें से इस राशि को कोई लेना ही नहीं चाहता हो बट्टे पर। तो साथियों ऐसी स्थिति में पर्ची बनाई जाती है, उस पर्ची को, पर्ची में उन 20 सदस्यों का नाम लिखा चाहते हैं, किसी एक बच्चे से एक पर्ची खिंचवाई जाती है जिसमें सबसे पहला जिसका नाम खुलते हैं उस व्यक्ति को उस राशि को दे दिया जाता है। इट्स ओके। आगे ध्यान रखना है दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति राशि लेने के पश्चात वो दोबारा इससे राशि नहीं ले सकता। नहीं आई मेरी बात समझ में दोस्तों? माना कि इसमें ए व्यक्ति था, ए व्यक्ति ने सबसे पहले 10,000 के बट्टे से इस कमेटी को छोड़ाया, तो साथियों दोबारा जो ए व्यक्ति है वो ए व्यक्ति इस राशि को नहीं लेगा। अब वो अधिक बट्टा भी, ज़्यादा से ज़्यादा बट्टा लेकर भी इस राशि को नहीं छुड़ा सकता दोस्तों। उसे एक बार क्या दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। साथियों अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, और इसी के साथ साथियों अपना ये जो 17वां चैप्टर है वो क्लोज हुआ। आगे हम बात करेंगे दोस्तों 18वें चैप्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।